कोई मुझे एक एग्जांपल दिखा दे जिसको अपनी जान बचानी है और ब्लड की जरूरत है, वो ये कहे मुझे केवल ब्राह्मण का ब्लड चाहिए या मुझे केवल क्षत्रिय का या वैश्य का चाहिए या मुझे केवल मुस्लिम का ब्लड चाहिए या ईसाई का चाहिए। क्योंकि जानवर का ब्लड नहीं चल सकता, इंसान को इंसान का ब्लड चल सकता है। तो जब जान बचानी है तब ना धर्म देखेंगे ना जाति देखेंगे, तो ब्लड डोनेशन करा देंगे। तो फिर ये जाति धर्म के ऊपर ये बंटवारा क्यों? सर ये पूरे भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं जिनकी मतगणना में नाम मात्र संख्या आती है, लेकिन अनुयायी सारे हैं बौद्ध धर्म में। इस बार जनगणना में भी देखना डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोग सच्चाई को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, और सब भारत से प्यार करने वाले लोग भारत को बचाने के लिए मुझे लगता है बुद्ध के धर्म में निश्चित तौर पर आएंगे। और बुद्ध धर्म में और धर्म में अंतर है, इसको भी समझना जरूरी है। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म है, बौद्ध धर्म नहीं है, धम्म है। ये धर्म चलता है धर्मशास्त्र से, धम्म चलता है बौद्ध धर्म चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ये अंतर समझना है। किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय को मानता है, जो पक्षपात को नहीं करता, जो विषमता को नहीं मानता, जो न्याय में भरोसा करता है, और इसके साथ साथ जो अंधविश्वास और पाखंडवाद को नहीं मानता, रूढ़िवादी को नहीं मानता, वो बेसिकली बौद्ध धर्म को मान सकता है। आज आप बाबा साहब को भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली पर आए, इसके विषय में कुछ विशेष? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान बचाओ यात्रा निकाली हमारे साथियों ने, इसकी जरूरत पूरे देश को है। पूरे देश में जिस तरह नफरत का माहौल बढ़ा है, जाति और धर्म के नाम पे उन्माद बढ़ा है, और हम देख रहे हैं कहीं दलितों पर हत्या हो रही है, कहीं पिछड़े वर्ग की हो रही है, कहीं अल्पसंख्यक की हो रही है, कहीं आदिवासी की हो रही है, कहीं महिलाओं के साथ व्यक्ति का मिल रहा है। देश आखिर जा के दबा है। भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था जहाँ नफरत का माहौल है। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ सब लोग मिल के चलें, आपस में समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय के रास्ते पर एक साथ सबको समान अवसर हो आगे बढ़ने के, सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस हो, वो सब स्वाभिमान के साथ पहुँचे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत में कुछ कट्टरपंथी ताकतें बढ़ गई हैं। हमें सबक लेना चाहिए, जो जिस जिस देश में कट्टरपन बढ़ा है, चाहे वो सीरिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, लेबनान हो, इराक हो, वो देश तबाह हो गए। ये सांप्रदायिक तो ये जो कट्टरपन है ये तबाह करता है। और जब बुद्ध के धम्म का संदेश भारत से समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय के साथ साथ मानवता और शांति का संदेश जो भारत से पूरी दुनिया में गया और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, तो भारत में उसको खत्म किया, तो आज भारत बट गया है। भारत एक विविधताओं का देश है, यहाँ हजारों जातियाँ हैं, कई धर्म हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, हर 50 किलोमीटर पर यहाँ भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। तो ऐसे देश में सबको एकजुट रखना, बांध के रखना, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जाति धर्म के नाम पर ना उलझें, हम लोग भारतवासी बने, भारत से प्यार करें और अपने संविधान में आस्था रखें। संविधान रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, संविधान खत्म हो गया तो शायद भारत को एकजुट रखना सुरक्षित करना मुश्किल होगा। सर ये तो रही संविधान बचाओ पदयात्रा की, इससे पहले आपने दिल्ली में हजारों की तादाद में धर्मावलंबियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी, उसमें आपने 22 प्रतिज्ञाएँ दिलाई थी, उसके विरोध में हिंदूवादी लोगों ने आपका विरोध किया और आपने आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने मंत्री पद से रिजाइन किया और उसका कारण ये था कि हम रोज इस तरह की घटनाएं आती हैं, कहीं मूंछ रखने पर हत्या हो रही है हमारे समाज के लोगों को, कहीं घड़ा छुड़ाने पर हत्या हो रही है, कहीं मंदिर में घुसने पर, मूर्ति छुड़ाने पर हत्या हो रही है, कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या हो रही है। तो उससे दिल बहुत ज़्यादा आहत था, और उस पर जब लोग जहाँ विषमता होगी, जहाँ बिखराव होगा, टूट फूट होगी, वहाँ अगर देश को कोई चीज़ बचा सकती है तो वो तथागत बुद्ध का धर्म है, जो भारत से गया और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो भारत को भी बचाने के लिए उसी तरह का वातावरण चाहिए जहाँ समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय प्रज्ञाशील करुणा और मैत्री हो, तो आपस में एकजुटता होगी। और दूसरी बात, जाति कुदरत ने नहीं बनाई ना,
जाति पूरे दुनिया में नहीं है, केवल भारत में है। और दूसरी बात, मुझे कोई एक एग्जांपल बता दे, कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे भाई उसका ऑपरेशन होना है, आपको 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करना है, कोई मुझे एक एग्जांपल दिखा दे जिसको अपनी जान बचानी है और ब्लड की ज़रूरत है, वो ये कहे मुझे केवल ब्राह्मण का ब्लड चाहिए या मुझे केवल क्षत्रिय का या वैश्य का चाहिए या मुझे केवल मुस्लिम का ब्लड चाहिए या ईसाई का चाहिए। चूँकि जानवर का ब्लड नहीं चढ़ सकता, इंसान को इंसान का ब्लड चढ़ सकता है। तो जब जान बचानी है तब ना धर्म देखेंगे ना जाति देखेंगे, तो ब्लड डोनेशन करा दें। तो फिर ये जाति धर्म के ऊपर ये बंटवारा क्यों? पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी जो संविधान बचाओ पदयात्रा में अभी बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ में आए हैं, जो 13 तारीख से प्रारंभ होके आज उस पदयात्रा का आज समापन होने जा रहा है, उसमें आम सभा को संबोधित करेंगे।